गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड लेसन नंबर 8, मिस बिल द वाटर। दिस लेसन इज फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट बुक। द लेसन इज रिटन बाय गेविन मैक्सवेल। इस लेसन में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। गेविन मैक्सवेल लिव्स इन ए कॉटेज इन कैम्सफर्ना। कैम्सफर्ना के कॉटेज में गेविन मैक्सवेल रहता है, इन द वेस्ट हाईलैंड्स इन स्कॉटलैंड, जो कि वेस्ट हाईलैंड स्कॉटलैंड में सिचुएटेड है। व्हेन हिज डॉग जॉनी डाइड, जब उसका डॉग जॉनी की डेथ हो जाती है, मैक्सवेल वाज टू सैड टू थिंक ऑफ कीपिंग अ डॉग अगेन। मैक्सवेल इस बात को सोच करके बहुत दुखी हो जाता है कि अगर मैंने दोबारा डॉग रखा, उसकी डेथ हो गई, तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। बट लाइफ विदाउट अ पैट वॉज लॉन्ली, लेकिन बिना पैट के उसे अपना जीवन बिल्कुल एकांत सा लगता था। रीड वॉट हैपन्ड देन इन मैक्सवेल्स ओन वर्ड्स, उसके बाद क्या हुआ, इसको जानने के लिए आप इस स्टोरी को रीड करिए और जानिए कि उसके बाद मैक्सवेल के जीवन में कौन सा ऐसा पैट आया जिसने उसके जीवन में एक नया अध्याय लिखना शुरू कर दिया। तो आइए जानते हैं इसको। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका। द फर्स्ट पार्ट इज इन दिस वे। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रेवल टू साउदर्न इराक। 1956 के नए साल में मैंने साउदर्न इराक की यात्रा की। बाय देन इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टीड ऑफ ए डॉग। तब तक यह बात मेरे दिमाग में आ चुकी थी कि मैं एक डॉग के बजाय एक ऑटर को पाल लूँ। ऑटर मीन्स हिंदी में अगर इस जानवर का अगर आप नाम देखना चाहें तो उसे ऊद बिलाव कहते हैं। तो ऊद बिलाव को मैं डॉग की जगह पाल लूँ, ऐसा मेरे दिमाग में तब तक आ चुका था जब मैंने साउथर्न इराक की यात्रा 1956 में स्टार्ट की। एंड दैट कैम्सफर्ना रिंग्ड बाय वाटर ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर वुड बी एन इमिनेंटली सुटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। और यह जो कैम्सफर्ना, जो कि कुछ ही दूरी पर चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, इस एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे सुटेबल स्पॉट था, सबसे उपयुक्त स्थान था। इमिनेंटली मीन्स इट इज़ एक्सट्रीमली, बहुत ही उपयुक्त रूप से एक्सट्रीमली सुटेबल प्लेस था इस एक्सपेरिमेंट के लिए। यानी ऊद बिलाव को पालने के लिए अगर आपको कहीं कोई स्थान दे ढूंढना है तो कैम्सफर्ना उसके लिए सबसे बढ़िया जगह थी। व्हेन आई कैजुअली मेंशनड दिस टू अ फ्रेंड, he has casually replied that I had better get one in the Tigris marshes, for there they were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs। और जब मैंने इस बात की चर्चा अपने एक फ्रेंड से की कैजुअल वे में, मतलब कि ऐसे ही बातों में मैंने उसकी चर्चा अपने मित्र से करी, तो उस फ्रेंड ने रिप्लाई भी कैजुअल वे में दिया और उसने कहा कि आई हैड बेटर गेट वन इन द टिग्रिस मार्स, मैं टिग्रिस मार्स से इसे आसानी से ले सकता हूँ, इसे आसानी से प्राप्त कर सकता हूँ। टिग्रिस मार्स मीन्स दलदल, टिग्रिस के जो दलदल हैं वहाँ ये आसानी से मिल जाते हैं, ऐसा मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया। फॉर देयर दे वर एज कॉमन एज मस्कीटोज, और वहाँ वे उतने ही कॉमन हैं जितने कि मच्छर, जितने मच्छर टिग्रिस मार्स में पाए जाते हैं उतने ही कॉमन रूप से वहाँ पर आपको ऑटर भी मिल जाएंगे। एंड वर ऑफन टेम्प्ड बाय द अरब्स, और वहाँ ये प्राय है अरब लोगों के द्वारा पाले भी जाते हैं, टेम्प्ड किए जाते हैं। टेम्प्ड मीन्स उनको पालतू बनाया जाता है, पाला जाता है। वी वर गोइंग टू बसरा टू द कंसुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर अ मेल फ्रॉम यूरोप। यूरोप से हमारी जो मेल आने वाली थी उसको इकट्ठा करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए हमें कॉन्सुलेट जनरल ऑफिस जाना था, यानी दूतावास के ऑफिस में हमको जाना था। एट द कॉन्सुलेट जनरल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड बट दैट माइन हैड नॉट। कॉन्सुलेट जनरल ऑफिस में जाने के बाद में मुझे पता पड़ा कि मेरे फ्रेंड की जो मेल थी, जो डाक थी, वो तो आ चुकी थी लेकिन मेरी नहीं आई थी। आई केबल टू इंग्लैंड, मैंने इंग्लैंड केबल किया, टेलीग्राम किया। एंड वैन 3 days later nothing had happened, और जब 3 दिनों तक कुछ भी नहीं हुआ, आई ट्राई टू टेलीफोन, मैंने टेलीफोन करने की कोशिश की। द कॉल हैड टू बी बुकड 24 hours इन एडवांस, कॉल कम से कम 24 घंटे एडवांस में बुक करनी पड़ती थी। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, पहले दिन तो लाइन ही खराब थी। ऑन द सेकेंड द एक्सचेंज वॉज क्लोज फॉर द रिलीजियस हॉलीडे, दूसरे दिन एक्सचेंज क्लोज था क्योंकि एक धार्मिक अवकाश था।
ऑन द थर्ड डे देयर वाज अनदर ब्रेकडाउन, उस तीसरे दिन भी कुछ ना कुछ फिर तकनीकी खराबी आ गई, कोई ब्रेकडाउन हो गया। माई फ्रेंड लेफ्ट, मेरा फ्रेंड चला गया, एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन वीक्स टाइम, और मैंने उसको वो एक सप्ताह बाद मिलने का टाइम दे दिया। 5 days लेटर माई मेल अराइव, और 5 दिनों बाद मेरा मेल आ गया, मेरी डाक भी आ गई। आई कैरीड इट टू माई बेडरूम टू रीड, मैं उसे अपने बेडरूम में ले गया पढ़ने के लिए। एंड दे आर स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर वर 2 Arabs, और वहाँ मैंने फर्श पर 2 अरबी लोगों को स्क्वेटिंग यानी उकड़ू बैठे हुए देखा। बिसाइड्स दैम ले ए सैक दैट स्क्विम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उन्हीं के पास में एक सैक रखा हुआ था, सैक मीन्स बोरा रखा हुआ था, दैट स्क्विम्ड, जो कि बार बार उछल कूद मचा रहा था, बोरा उछल कूद मचा रहा था यानी हिलडुल रहा था। और उसके हिलने डुलने का रीजन क्या था, दे हैंडेड मी ए नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, हियर इज योर ऑर्डर, उन्होंने मेरे फ्रेंड द्वारा लिखा हुआ एक नोट, एक लेटर मुझे हैंड ओवर किया, उसमें लिखा था हियर इज योर ऑर्डर, यह तुम्हारा ऑर्डर है, यानी कि उस बोरे में ऑर्डर था, इसकी वजह से वो स्क्विम्ड हो रहा था, इसलिए वह बोरा उछल कूद मचा रहा था। Now come on the second part. With the opening of that sack began a phase of my life that had not yet ended, and many, for all I know, not end before I do. और उस बोरे को के खुलने के साथ ही मेरे लाइफ का एक ऐसा फेज स्टार्ट हुआ जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, और जितना मैं समझता हूँ शायद मेरे समाप्त करने से पहले यह समाप्त भी नहीं होगा। It is in fact a seldom to otters and otter fixation that I have since found to be shared by most other people who have even owned one. असल में यह मेरे ऊपर इस otter का seldom ही था, seldom means एक तरीके से वशीकरण जिसको कहते हैं, तो उसका otter का ये seldom था, उसने मेरे को इस तरीके से अपने नियंत्रण में ले लिया था कि मैं उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाता था। तो यह एक तरीके से ओटर का वशीकरण था कि ओटर के लिए मेरे मन में बहुत ही गहरा लगाव था, जिसमें मैंने अधिकांश अन्य लोगों को भी भागीदार बनते हुए देखा है जो कभी किसी ओटर के मास्टर बने हों, अर्थात कभी किसी ने ओटर पाला हो, तो वो इस बात को समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो ओटर के प्रति बहुत ज़्यादा गहरा लगाव रखने लगते हैं। द क्रीचर दैट इमर्ज फ्रॉम दिस सैक ऑन टू द स्पीशियस टाइल्ड फ्लोर ऑफ द कंसुलेट बेडरूम रिजेंबल्ड मोस्ट ऑफ ऑल अ वेरी स्मॉल मिडेवली कंसीव ड्रैगन, और उस बोरे में से, उस सैक में से जो जानवर, जो क्रिएचर, जो प्राणी निकला उस मेरे कंसुलेट बेडरूम के अंदर लंबे चौड़े टाइल वाले फर्श पर, वह लगभग मिड ईवल में एक बहुत छोटे, मिड ईवल के टाइम के एक बहुत छोटे से ड्रैगन के समान दिखाई दे रहा था, वह ड्रैगन जैसा दिखता था। तो इस तरीके का एक जानवर उसने उसमें से देखा। मिड ईवली कंसीव्ड का मतलब होता है एन ए टाइम ऑफ मिड ईवल, यानी कि मध्यकाल का समय। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल ही वॉज कोटेड विथ सिमेट्रिकली पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड आर्मोर, और वह सिर से लेकर के पूंछ तक वह मिट्टी के जो आर्मोर मीन्स कवच के समान नुकीले सलकों से ढका हुआ था, वह कवच, उसके ऊपर कवच लगा हुआ था। किसका कवच लगा हुआ था? मिट्टी का, और उस कवच से वो पूरा का पूरा ढका हुआ था। सिमेट्रिकली में समानांतर रूप से जो उसके ऊपर लाइनें सी मिट्टी की बनी हुई थी, उन मिट्टी की लाइनों को देख करके जो राइटर है यह बात कह रहा है कि उसके जो मिट्टी जो उसके शरीर पर लगी हुई थी उसको देख कर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके ऊपर एक मिट्टी का पूरा कवच सा बना दिया गया हो। Between whose tips was visible a soft velvet fur like that of chocolate brown mole, और उन्हीं के बीच में एक मुलायम मखमली फर नज़र आ रहा था जैसा कि एक चॉकलेटी ब्राउन कलर का जो मोल
मोल मीन्स छछूंदर जो है जैसा दिखाई देता है वैसा वो जानवर दिख रहा था. ही शूक हिमसेल्फ एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड ए क्लाउड ऑफ डस्ट बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनादर मंथ दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड एंड सी द ऑटर एज इट वर इन हिज ट्रू कलर्स. उसने अपने आप को हिलाया. सबसे पहले ही सैक हिमसेल्फ, उसने अपने आप को हिलाया और धूल के एक गुबार की उम्मीद कम ही थी. यानी कि जो मैं सोच रहा था कि एक धूल का बहुत बड़ा सा गुबार उड़ेगा जैसा कि वो आए हाफ एक्सपेक्टेड ए क्लाउड ऑफ डस्ट, ऐसा हुआ नहीं. लेकिन वास्तव में अगला एक मंथ तक मैं उसके कीचड़ के आखिरी भाग को साफ नहीं कर पाया था. यानी उसके जो मट, जो कीचड़, जो मिट्टी उसकी लगी हुई थी उसको साफ करने में उसको एक महीना तक लग गया. और ऊद बिलाव कैसा होता है, इसका वास्तविक रंग कैसा होता है, उसको वो एक महीने तक वास्तविक रूप में देख नहीं पाया था. इतना वो डस्ट में सना हुआ था, इतना वो मड से भरा हुआ था. तो उसका उसको ट्रू कलर देखने में, उसको कम से कम उसका वास्तविक रंग देखने में कि एक ऑटर किस कलर का होता है, उसको एक महीना तक लग गया. मिजबिल एज आई कॉल्ड द ऑटर, मिजबिल जैसा कि मैं अपने ऑटर को कहता था, वॉज इन फैक्ट ऑफ ए रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस. वास्तव में उस रेस का, उस प्रजाति का था जो विज्ञान के लिए पहले अज्ञात थी, जिसको कि वैज्ञानिक पहले नहीं जानते थे. एंड वॉज एट लेंथ क्रिस्टाइंड बाय जियोलॉजिस्ट लुथ्रोगैल पर्सी पिसिलिटिया मैक्सवेल और मैक्सवेल्स ऑटर. और अंत में जंतु वैज्ञानिकों ने इसे लुथ्रोगैल पर्सी पिसिलिटा मैक्सवेली या मैक्सवेल या ऑटर नाम दिया गया. यानी इसका जो जूलॉजिकल नेम होता है, यह जूलॉजिकल नेम दिया गया है. जूलॉजिकल नेम इसका लुथ्रोगैल पर्सी पिसिलिटा मैक्सवेली, ये इसका जूलॉजिकल नेम है मैक्सवेल या ऑटर का, जिसको कि हम ऑटर के रूप में जानते हैं. फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजबिल वॉज नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली. फर्स्ट 24 आवर्स तक मिजबिल ना तो हॉस्टाइल था, ना तो वो उग्र स्वभाव का रहा, न ही उसने मित्रवत स्वभाव का पालन करना शुरू किया. न तो वो मेरे ऊपर अटैक कर रहा था, न ही मुझसे फ्रेंडली वे में पेश आ रहा था. यानी मुझसे दूर दूर खिंचा खिंचा सा हुआ स्टार्टिंग में रह रहा था. ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट, चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल. और वह बिल्कुल मुझसे अलूफ रहने की, दूर दूर रहने की कोशिश कर रहा था, मुझसे बचकर के रहने की, अकेला और उदास रहने की, उदासीन रहने की कोशिश कर रहा था. फर्श पर भी मेरे बेड से जितना दूर संभव हो सके सोता था और मुझसे हमेशा दूरी बना करके शुरुआत में उसने रखने की कोशिश की. उसने मुझसे अलूफ रहने की, यानी दूर दूर रहने की, उदासीन रहने की, मुझसे बच के रहने की, मेरे बेड के पास ना आने की, मेरे बेड से दूर रहने की शुरुआत में वह कोशिश करता था. द सेकंड नाइट मिजबिल कैम ऑन टू माई बेड इन द स्मॉल आवर्स एंड रिमेंड एस्लीप इन द क्रूक ऑफ माई नीज अंटिल द सर्वेंट ब्रॉट टी इन द मॉर्निंग. लेकिन दूसरी रात को ही बहुत जल्दी मिजबिल मेरे बिस्तर पर आ गया और जब तक जो मेरा सर्वेंट है वह मॉर्निंग टी लेकर के नहीं आया, तब तक वह मेरे घुटनों के मोड़ में सोया रहा. यानी मेरे घुटनों के पास आकर के, जहाँ पे मेरे घुटने बैंड हो रहे थे, वहाँ पर वह लेटा रहा. एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगैन टू लूज हिज एपथी एंड टेक ए कीन, मच टू कीन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स. और दिन में वह अपनी उदासीनता खोने लगा और अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में अत्यधिक रुचि लेने लगा. एपथी मीन्स जो उदासीनता होती है, जो अरुचि होती है, उसको एपथी कहते हैं. आई मेड ए बॉडी बेल्ट फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन ए लीड टू द बाथरूम वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर प्लंगिंग एंड रोलिंग इन इट shooting up and down the length of the bathtub underwater and making enough slosh and splash for a hippo. और सबसे पहले मैंने उसके लिए एक
बेल्ट बनाई, यानी एक बॉडी बेल्ट मैंने उसके लिए सबसे पहले क्रिएट किया। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन ए लेड टू द बाथरूम, और उसको मैं बाथरूम उस बेल्ट के सहारे मैं उसे बाथरूम तक ले गया। बाथरूम में ले जाने के बाद में वी आर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर, वो जहाँ वो है आधे घंटे तक पानी में नहाता रहा, पानी में मस्ती करता रहा, प्लंगिंग एंड रोलिंग इन इट, उसके अंदर डुबकी लगाता रहा, लोटपोट होता रहा, शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथ टब अंडर वाटर, पानी में कभी बाथ टब की पूरी लंबाई में तेजी से अंदर जाता, कभी ऊपर निकलता, कभी नीचे की ओर जाता, इस तरीके की एक्टिविटी वह बाथ टब के अंदर करने लगा। इनफ स्लॉस एंड स्प्लैश फॉर ए हिप्पो, जिस तरीके से एक हिप्पो, जिस तरीके से एक दरियाई घोड़ा जो होता है वह पानी में अलग अलग तरीके की एक्टिविटी करता है, उसी तरीके की एक्टिविटी वह ऑटर जो है पानी में करने लगा है। दिस आई वॉज टू लर्न इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटर्स, तब मैंने यह जाना कि यह भी ऑटर की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, यह भी एक ऑटर की क्वालिटी होती है। दिस इज ऑल्सो ए क्वालिटी ऑफ ए ऑटर टू प्ले इन द वाटर, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी सो टू स्पीक एक्सटेंड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस, दूसरे शब्दों में कहें तो पानी की हर ड्रॉप को उस स्थान पर फैलानी और बिखेरनी चाहिए। ए बाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न्ड, और पानी के बर्तन को समय उलट देना चाहिए, और इफ इट विल नॉट बी ओवरटर्न्ड बी सेट इन एंड स्प्लॉश्ड इन अंटिल इट ओवरफ्लोज, और यदि इसे नहीं उलट दिया जाएगा तो वह इसमें आकर के बैठ जाएगा और तब तक इसे स्प्लॉश्ड करता रहेगा, इस पर छपकियाँ देता रहेगा, इसको पानी को छपछपाता रहेगा जब तक कि सारा पानी छलक कर बाहर बहने ना लगे। यानी अगर आपके पास पानी का कोई बर्तन है और अगर आपने एक वाटर को पाल रखा है तो पानी को तुरंत खाली कर दीजिए, कोई भी बर्तन हो, क्योंकि इस वाटर की क्वालिटी होती है जैसे ही उसको पानी दिखाई देता है वह पानी में छपक छपक करने लगता है। वाटर मस्ट बी कैप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स व्हेन स्टैटिक इट इज वॉस्टेड एंड प्रोवोकिंग, पानी को बहने देना चाहिए और उससे कोई ना कोई कार्य कराते रहना चाहिए, क्योंकि जब यह वाटर स्थिर हो जाएगा, रुक जाएगा, तो यह व्यर्थ है और उकसाने वाला है, उसको प्रोवोक करने वाला है, क्योंकि अगर रुका हुआ पानी रहेगा तो वो उसको खेलने के काम में लेगा और इसको देख करके उसे उस पानी में एक्टिविटी करने का मन करेगा। अगर आपके पास पानी है तो उसे बहा दीजिए, फैला दीजिए, या उसका कोई ना कोई यूटिलाइज कर लीजिए, अदरवाइज वाटर उस भरे हुए पानी को किसी टब में या किसी बकेट में भरा नहीं रहने देगा, वह उसे खराब कर देगा। टू डेज लेटर मिस बिल एस्केप्ड फ्रॉम माय बेडरूम एज आई एंटर्ड इट, दो दिन बाद जो ही मैंने अपने बेडरूम में एंटर किया तो मिस बिल इसमें से भाग निकला। एंड आई टर्न टू सी हिज टेल डिसअपीयरिंग राउंड द बैंड ऑफ द कॉरिडोर दैट लीड टू द बाथरूम, और जब मैंने मुड़कर देखा तो गलियारे के मोड़ पर उसकी जो टैल थी, उसकी जो पूंछ थी, उसको मैंने बाथरूम के रास्ते में जाते हुए और वहाँ गायब होते हुए देखा। यानी कि वह जैसे ही बेडरूम को मैंने ओपन किया, वह भाग करके सीधा बाथरूम में घुस गया। बाय द टाइम आई गोट देयर ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथ टब एंड फंबलिंग एट द क्रोमियम टैप्स विथ हिज पाज, और जब मैं वहाँ पहुँचा तब वह बाथ टब के अंतिम सिरे पर था और अपने पंजों से क्रोमियम के नल की जो टैप थी उसको अजीब तरीके से छेड़ रहा था, यानी उस नल को खोलने की कोशिश कर रहा था। जो क्रोमियम का जो टैप था, क्रोमियम का जो नल था, उस नल को वो खोलने की अपने पास से कोशिश कर रहा था, फंबलिंग कर रहा था, यानी उससे अजीब तरीके से छेड़छाड़ कर रहा था, उसे टटोल रहा था, उसे खोलने की, फंबलिंग करने की, ओपन करने की कोशिश कर रहा था। आई वॉच्ड अमेज्ड, मैं चकित होकर के उसे देखता रहा। इन लेस देन अ मिनट ही हैड टर्न्ड द टैप फार इनफ टू प्रोड्यूस ए ट्रिकल ऑफ वाटर, और एक मिनट के से भी कम समय में उसने नल के टोटी को इतना घुमा दिया कि जो पानी की धार थी उसमें से टपकने लगी थी, ट्रिकल ऑफ वाटर, यानी पानी की एक पतली सी धार उस नल में से आने लगी थी। ट्रिकल मीन्स धार।
एंड आफ्टर ए मोमेंट और टू अचीव्ड द फुल फ्लो, और एक दो क्षण में ही पानी का फुल फ्लो उसमें से आने लगा था, यानी उसने पूरा नल खोल दिया था। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे, क्योंकि भाग्यवश उसने टोटी को सही तरीके से घुमाया था और उसने नल को खोल लिया था। ऑन लेटर ओकेजन्स ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर, चिटरिंग विथ इरिटेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टैप्स फेलियर टू कोऑपरेट। लेकिन कई बार अन्य अवसरों पर, कई सारे दूसरे ओकेजन्स पर उसने इसे और अधिक कस दिया था, यानी खोलने के बजाय कई बार ऐसा होता था कि वो उसको और ज़्यादा स्क्रू कर देता था, और ज़्यादा उसको स्क्रू करके टाइट कर देता था, कस देता था, जिससे कि वह नल खुल नहीं पाता था, जिससे पानी बाहर नहीं आ पाता था और वह डिसअपॉइंट हो जाता था, निराश हो जाता था और चिड़चिड़ाने लगता था, क्योंकि टैप जो था उसको कोऑपरेट नहीं कर पाता था, क्योंकि वह नल नहीं खोल पाता था, इसकी वजह से वह चिड़चिड़ाने लगता था। वेरी सून मिस वुड फॉलो मी विदाउट ए लेड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम, और जल्द ही मिस जो है बिना लेड के, बिना जंजीर के मेरे पीछे पीछे आने लग गया था, और जब कभी मैं उसे आवाज़ देता था तो वह मेरे पास आ जाता था। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, वह अपना अधिकतर समय खेलने में ही बिताता था। ही स्पेंट आवर्स शफलिंग ए रबर बॉल राउंड द रूम लाइक ए फोर फुटेड सुगर प्लेयर यूजिंग ऑल फोर फीट टू ड्रिबल द बॉल, वह गेंद को, बॉल को धकेलने के लिए चारों पैरों का प्रयोग करते हुए एक चार पैरों वाले फुटबॉल के सुगर के प्लेयर की तरह कमरे में रबर की गेंद को लुढ़काने में लगा रहता था। एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट विथ अ पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक, और इसी के साथ साथ वह अपनी नेक से अपनी गर्दन की हल्की सी हलचल के द्वारा इसे बहुत दूरी तक फेंक दिया करता था, यानी अपनी गर्दन से भी उसको हल्के से फ्लिक से, यानी हल्के से मूवमेंट से उसको बहुत ऊंचाई तक उछाल देता था। सरप्राइजिंग हाइट और डिस्टेंस, यानी बहुत ऊंचाई तक वह उछाल दिया करता था। बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक एंड जगल्स विथ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पॉज, लेकिन सबसे वास्तविक और सबसे रियल गेम जो किसी ऑटर का होता है वह तब होता है जब वह अपनी पीठ के बल लेटकर अपने पास के बीच में से किसी छोटी चीज को हवा में उछालकर उसे गिरने नहीं देता, जैसे कि मार्बल्स को लेकर के वो उसे खेलता रहता है, जगलिंग करता रहता है, यानी बाजीगरी करता रहता है उन स्मॉल ऑब्जेक्ट के साथ में, उनको उछालता है लेकिन उन अपने पंजों के बीच में, लेकिन उनको गिरने नहीं देता, उनसे बाजीगरी करता है, जगल्स करता है। मार्बल्स वर मिच फेवरेट टॉयज फॉर दिस पास टाइम, और इस पास टाइम के लिए मिच के सबसे फेवरेट टॉय जो थे वो मार्बल्स थे। ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग टू और मोर ऑफ देम अप एंड डाउन हिज वाइड, वह अपनी पीठ के बल लेट जाया करता था और अपने चौड़े पेट पर फ्लैट बैली विदाउट एवरी ड्रॉपिंग वन ऑफ द फ्लोर, अपने पेट के ऊपर वह दो से तीन जो मार्बल्स होते थे उनको इस तरीके से घुमाता ताकि उनमें से एक भी मार्बल जमीन पे ना गिर पाए, और उनसे वह फुल टाइम खेला करता था। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द सेकेंड पार्ट वी विल रीड इन सेकेंड वीडियो। थैंक यू।